राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, वो किस कारण हमारे जीवन में आती हैं, आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। नौकरी में कब प्रॉब्लम आती है, नौकरी कब नहीं मिल पाती है, कितनी मेहनत करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाती है, ऐसा क्यों होता है और कब होता है, ये सब जानने के लिए आज हम आपसे विशेष रूप से जुड़ेंगे। और आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जीवन में कोई भी समस्या हो, त्रिनेत्र भाग्य के माध्यम से आपकी दूर होगी। आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें और अपनी कुंडली का आंकलन अच्छे ज्योतिषाचार्यों से आप कराएं। जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनके कारण हमारा जीवन अस्थगित हो जाता है, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, मर जाना चाहिए। अगर व्यक्ति की सोच इस तरह की आ जाए कि अब तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं नहीं जी सकता, मेरा ये कार्य सफल नहीं हो सकता, तो ऐसे मनुष्य को एक बार आप हमारे संस्थान में कॉल करें और देखें कि आपके जीवन में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन कैसा बदलाव हो। जिस समय आप कुंडली का आंकलन कराते हैं, अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष है, उस दोष को आपको मिटाना है, तो वो दोष कैसे मिटेगा, कैसे उस दोष का निवारण होगा, कैसे वो दोष आपके जीवन में प्रेरित होगा, आपके जीवन को सार्थक कैसे बनाएगा, और कैसे वही दोष आपके जीवन को निरर्थक कर देगा, खराब कर देगा, इसी की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नौकरी कब नहीं लगती, क्या कारण है, नौकरी में परेशानी आती है। आप लोग नौकरी करते हो, कहीं सीनियर से परेशान रहते हो, कहीं कोई जूनियर लोग आपकी चुगली कर देते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर देते हैं, तो आपके जीवन में ये समस्याएं आती हैं। और ये समस्या जब आपके जीवन में आती है, आप नौकरी छोड़ करके घर बैठ जाते हो, दूसरी के लिए ट्रायल करते हो, नहीं मिल पाती, तो इसका संयोग कौन सा होता है, बात करेंगे इसी को लेकर के। जुड़े और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पे फोन कॉल करें, क्योंकि हमारी और आपकी दूरी सिर्फ एक कॉल की है। आप कॉल करेंगे, हमसे सीधा आप जुड़ेंगे और आपके जीवन में कोई समस्या, आपके बच्चों के जीवन में समस्या, आपके माता पिता के जीवन में समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, आप अपने जीवन में सफल बना सकते हैं, जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। तो बात कर रहे थे कुंडली के जीवन में कहां लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देने के लिए भी आया हूं कि कुंडली में द्वादश भाव होते हैं, द्वादश भाव में नवग्रह स्थापित होते हैं, और उन्हीं नवग्रहों में से किसी ग्रह की मादशा होती है, तो किसी की अंतरदशा होती है, तो किसी की प्रत्यंतरदशा होती है, और वो तीनों दशाएं मादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, ये तीनों दशाएं ही हमारे जीवन को बदल देती हैं। कहते हैं सर्व पाप विशुद्ध आत्मा श्री गुरुपाद सेवनात् देही ब्रह्म भवेदियस्मात् त्वं कृपार्थं वदामि ते। अर्थात सभी पापों को नाश कब किया जा सकता है, जब गुरु के चरणों में प्रीति हो, गुरु सार्थकता पूर्ण हम बनाए। देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं हम किसको गुरु बनाए। हमारे ब्रज में एक कहावत है, पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। तो हमें गुरु में वो सब गुण चाहिए जो हम चाहते हैं, कल को ऐसा ना हो कि उनकी कुरूतियां देखकर हम उनकी बुराई करें। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो उस गुरु के निमित्त आपको श्रद्धा भाव निष्ठा आपकी होनी चाहिए। किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनके आचरण देखे जाते हैं, कैसे आचरण है, चरित्र कैसा है, आचरण कैसे हैं, और इनके अंदर ज्ञान कितना है, ये हमें किस स्टेज पर लेके जा सकते हैं। तो ऐसे को आप गुरु बना सकते हैं। और निगुरा जो होता है, जिसका गुरु नहीं होता, उसके हाथ का पानी पीना भी
लाभ नहीं देता, हानि ही देता है। अर्थात निगुरा का तो ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं। तो हमारे जीवन में हम सबको गुरु बना लेना चाहिए, किसी ना किसी को अपने सानिध्य से आप गुरु बनाएं, अवश्य गुरु बनाएं, जिससे आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप कराते हैं वो सब आपके सफल होंगे गुरु बनाने मात्र से। आपका अगर गुरु नहीं है तो आपके यज्ञ अनुष्ठान सफलता होने में देरी लगेगी, आपको समस्या आएगी। तो इसीलिए आप गुरु अवश्य बनाएं। जब आप गुरु बनाएंगे तो आपका जीवन एक नई स्थिति पकड़ लेगा, नई लाइन पकड़ लेगा और आपका जीवन सफल होगा। बात कर रहे थे नौकरी को लेकर के, तो देखिए द्वादश भाव में लगन का, दूसरा छठवा ग्यारहवा ये जो भाव होते हैं, दसवा ग्यारहवा दूसरा और छठवा ये जो भाव लगन के होते हैं, द्वितीया भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इन भावों में अगर गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है तो गुरु चांडाल दोष बनता है। और जब गुरु चांडाल दोष बनता है, जिस भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, आपका धन फंस जाएगा। चतुर्थ भाव में बैठा है, आपको सुख नहीं मिलेगा। छठे घर में बैठा है तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। दसम भाव में बैठा है, नौकरी में परेशानी आएंगी। एकादश भाव में बैठा है, व्यापार में घाटा चला जाएगा। अर्थात गुरु चांडाल दोष अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में नौकरी में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। पीछे आने वाले प्रमोशन पाकर के ऊपर चले जाते हैं और आप लोग बहुत पुराने होकर के भी उसी जगह रह जाते हैं, नहीं कोई प्रोग्रेस कर पाते, ना कोई प्रमोशन हो पाता है। नौकरी में भी परेशानी आती है, कभी कभी तो ऐसा मन करता है या कोई सीनियर बोल देता है आपसे अगर काम नहीं होता है तो काम छोड़ दो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है तो आप किसी भी कारण से सस्पेंड हो सकते हैं, आपको परेशानी सामना करना पड़ सकता है, रेस्टिकेट हो सकते हैं, तबादला हो सकता है। तो आपके जीवन में ये समस्याएं आई क्यों? गुरु चांडाल दोष के कारण। अगर कुंडली में इन घरों में जो मैंने बताया था गुरु चांडाल दोष बनता है तो आपको ये समस्याएं आती हैं। फिर आप अगर आप अपने मनचाही प्रमोशन चाहते हैं या मनचाहा ट्रांसफर आप चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा मनचाहा ट्रांसफर हो जाए, मैं उस जगह चला जाऊं, या बहुत से लोग चाहते हैं मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वो भी गुरु चांडाल दोष रोक देता है और इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। नौकरी में जो समस्याएं हैं गुरु चांडाल दोष के कारण। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कुंडली का जो द्वितीय भाव है उसमें अगर राहु बैठा हो, गुरु ना हो, चंद्रमा बैठा हो, सूर्य बैठा हो, सूर्य और चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठा है तो भी ग्रहण दोष लगता है, आप पर कर्ज हो सकता है। तो मैं जो बात कर रहा था आपके लौकिक रीति पर, जैसे मान लीजिए मैंने पन्ना पहना हुआ है या किसी ने पुखराज पहना हुआ है या ओपल पहना हुआ है और मैं देख लेता हूँ कि उसने पुखराज पहना हुआ है, बहुत अच्छा उसका व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा वो कमा रहा है, तो मैं भी ये पहनूं। अब देखिए वो तो इसलिए कमा रहा है क्योंकि गुरु उसका कारक ग्रह है, और वही गुरु अगर मेरा मारक ग्रह में है तो मेरा मारक ग्रह का स्वामी हो गया। अगर मैं पुखराज पहनूंगा या गुरु की पूजा करूंगा तो मुझे कष्ट होगा, फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरा सारा कुछ जो भी जोड़ा है वो सब नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि यार उसने पुखराज पहना था तो उसका तो बड़ा अच्छा हुआ, मैंने पहना नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो तुम्हारे ग्रह कारक हैं या मारक हैं वो तुम्हारी कुंडली दिखलाएगी, जिसके ग्रह कारक हैं मारक हैं वो उसकी कुंडली ने दिखलाया। अब दे मुझे इजाजत, राधे राधे।